हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2K16। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपने कोडिंग नाइटर मिनी प्रोजेक्ट के साथ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इमेज को डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो, आप कैसे इमेज को अपलोड कर सकते हो, आज हम सीखेंगे। और आई प्रोमिस गाइस, अगर मैं आपको जो भी डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ उसके बाद आप कोर PHP में कभी भी इमेज अपलोड नहीं करोगे, क्योंकि इतना ईजी तरीके से बताऊँगा मैं आपको। और कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं, आप बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, मैं जो बोलूँगा उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आई प्रोमिस कि आप इस फंक्शनलिटी को अपने प्रोजेक्ट में बड़ी इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर हम कोडिंग पे चलेंगे। तो लॉगिन कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे मैंने ऐड आर्टिकल के अंदर एक सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करता हूँ, अभी हम क्या समझ रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ रहे हैं, फिर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स, ये तो वो नॉर्मली आपको पता है, वैलिडेशन हम सीख चुके हैं सब कुछ। और अगर मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ और बॉडी भी डाल देता हूँ, अब मैं फिर सबमिट करता हूँ तो क्या आ गया, यू डिड नॉट सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। गाइज, मैंने यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं अपलोड कराने के लिए वो है अपलोड, ठीक है। तो ये जो आप वैलिडेशन देख रहे हो, ये मैंने कहीं भी नहीं लगाई है, ये मुझे मेरी लाइब्रेरी जो अपलोड है वो मुझे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने PDF अपलोड कर दी, ठीक है, सबमिट किया, तो क्या आया, द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि PDF हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो ये जो आप एरर मैसेज देख रहे हो, ये जितनी भी आप वैलिडेशन देख रहे हो मैंने नहीं लगाई है, ये मुझे मेरी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है। तो कितना आसान हो गया, इस तरीके की वैलिडेशन आपको लगाने ही नहीं पड़ेगी, आपकी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करेगी। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, सब कुछ ठीक है, इमेज अपलोड हो चुकी है, चलते हैं डेटाबेस के अंदर और चेक करते हैं। सो गाइस देखिए, लास्ट यहाँ पे इमेज का पाथ आ चुका है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है अपलोड का, यहाँ पे इमेज आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप जहाँ आप चाहें आप वह क्रिएट कर सकते हो, मैंने कहाँ क्रिएट किया आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर ही मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ये देखिए अपलोड नाम का, जिसमें मेरी सारी इमेजेस जाएंगी, ताकि जब हम रिट्रीव करवाएंगे तो इस फोल्डर से हम इस फोल्डर का पाथ देंगे, और जो डेटाबेस में पाथ स्टोर हो रहा है वो पाथ देंगे, ताकि वो लिंक हो जाए अपलोड फोल्डर में, जो नाम लिखा है वो डेटाबेस से मैच करेगा और वो रिट्रीव करवा लेंगे इमेज जब हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। जब डिस्प्ले करवाएंगे तो अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में, अभी ज़्यादा सोचना नहीं है हमें डिस्प्ले के बारे में, अभी हमें ये सोचना है कि हम कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करवाएं। तो गाइज, आपको पूरा चीज़ समझ आ गई, अब हमें सबसे पहले क्या सीखना है देखिए। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपका प्रोजेक्ट नेम होगा, जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है TP2K16, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लिखते हो user_guide, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक user_guide है, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट कोडिंग नाइटर का ट्यूटोरियल ही है, आप सारे जितनी भी क्लासेस हैं, जितने फंक्शन हैं, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है user_guide और ये पेज खुल गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का नाम फाइल अपलोड और सर्च करता हूँ, ये सब ऑफलाइन है, ये देखिए क्लास आ गई। अब ये कंप्लीट पूरा एग्जांपल है फाइल अपलोड का, आप यहाँ से भी सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं कुछ चीज़ें भी कवर कर लूँगा, जो चीज़ रह जाएंगी जो ऑप्शनल है वो आप यहाँ पे देख के सीख सकते हो, ठीक है। सो ऐसी जितनी भी क्लासेस हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा वो और स्लैश आप कर देना user_guide, आपका ये पेज खुल जाएगा, जो भी क्लास आपको ढूंढनी है सर्च करो और यहाँ पर आप देख सकते हो कोड, तो कितना ईजी हो जाएगा। तो आइए गाइस, सीखते हैं अपलोड का कोड। और सबसे पहले देखिए, जो ये पेज खुल रहा है, इस पेज पे चलते हैं और हम मैंने क्या चेंजेस किए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं व्यू के अंदर। तो गाइस, अभी तक सबसे पहले हमने क्या किया है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस फोल्डर का नाम है अपलोड, जिसमें सारी इमेजेस जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे add_article पे, जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हो, ये सब मैं ऑलरेडी सब कवर कर चुका हूँ, अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। सो यहाँ पे देखिए गाइस, ये पूरा के पूरा हमारा HTML टेम्पलेट ही है जो आप देख रहे हो। तो मैंने कहाँ कोड चेंज किया है, देखिए
मैंने ये वाला पार्ट ऐड किया है और इसमें क्या स्पेसिफाई किया है देखिए, एक रो कॉल 6 हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है और यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट इमेज, और हमारे पास एक फंक्शन होता है फॉर्म अंडरस्कोर अपलोड, उसमें क्या स्पेसिफाई किया है, नेम एट्रीब्यूट और यूज़र फाइल जो हम भेजेंगे, कि जैसे यूज़र ब्राउज करेगा तो ये जो आप नाम देख रहे हो ये जाएगा कंट्रोलर के पास, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप ये लिखोगे, ये जो फॉर्म अंडरस्कोर अपलोड है ये आपको कोडिंग राइटर देता है, ठीक है, तो अगर, या आप ये भी कर सकते हो जो आप नॉर्मली करते हो, ये भी कर सकते हो आप, ये भी चीज़, मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि ये जो चीज़ है यही बन रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए कंट्रोल यू करते हैं और चलते हैं सोर्स कोड पे, ये देखिए देख रहे हो आप, ये चीज़ यही बन रही है। तो गाइज इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, और साथ ही साथ मैंने एरर के लिए क्या दिया है, जो आपको एरर शो हो रहे थे ना अपने आप, जिस पर मैंने कुछ भी नहीं वैलिडेशन लगाई है, अपने आप हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए जो ये एरर शो हो रहे हैं, इसके लिए मैंने क्या दिया, जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है अपलोड अंडरस्कोर एरर, ये अभी डायनेमिकली हम भेजेंगे और ये फिर चेक करेगा कि अपलोड अंडरस्कोर एरर है तो उसको शो कर दो, और यहाँ आपने कलर डालना है, जो भी डालना है आप डाल सकते हो, सिंपल यहाँ पे आप CSS लिखो और कलर डाल लो, ठीक है। सो यहाँ पे दो बातें की है मैंने अभी, एक जस्ट मैंने बताया कैसे वो अपलोड आपको दिखेगा, कैसे वो ब्राउज वाला बटन आपको दिखेगा, और दूसरा एरर के लिए हमने जो किया है, दैट्स इट। सबसे पहले गाइज एक बात, और यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जब भी आपको इमेज अपलोड करनी हो या मीडिया फाइल अपलोड करनी हो, तो आपको गाइज एक चीज़ ऐड करनी होती है अपने फॉर्म के अंदर, जिसका नाम है मल्टी पार्ट फॉर्म हाइफन डेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरा फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो इतना था खाली, पहले इतना था, तो मैंने क्या कर दिया, अंडरस्कोर मल्टी पार्ट, तो ये क्या कर देगा, अगर कंट्रोल यू मैंने अभी किया है यहाँ पे, तो आप देख लो अपने आप ये ऐड कर देगा, अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे तो इमेज आपकी अपलोड नहीं होगी। सो ये बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है, बस और कुछ चेंज नहीं किया है इसके अंदर, इतना ही चेंज किया है, दैट्स इट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिज़ाइन वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के पास। तो गाइस जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं देखते हैं एक बार फॉर्म पे। तो जैसे हम सबमिट करते हैं, हम जा रहे हैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर, यूज़र वैलिडेशन के अंदर। तो चलते हैं एडमिन के अंदर और यूज़र वैलिडेशन के अंदर, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, डॉलर दिस लोड एक लाइब्रेरी लोड करवाई जिसका नाम है अपलोड, जिसकी हेल्प से मैं अपलोडिंग कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने सिंपल एक कन्फिग बनाया है यहाँ पे, जिसमें मैंने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए, अपलोड पाथ क्या होगा मेरा, अपलोड फोल्डर जो मैंने बना लिया है उसमें मेरी इमेजेस जाएंगी। और उसके बाद मैंने क्या किया, अलाउड अंडरस्कोर टाइप जिफ जेपीजी पीएनजी, खाली यही इमेज एंटरटेन करेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई और इमेज आएगी तो वो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। बस इसके अलावा और क्या क्या आपको कोडिंग राइटर देता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है। सो उसके अलावा आपको क्या और मिलता है, ये देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे हो अभी, अपलोड पाथ हमने देख लिया, हमने अलाउड अंडरस्कोर टाइप देख लिया, मैक्स साइज देख लिया कितना साइज़ होगा फाइल का, मैक्स विड्थ देख ली इमेज की विड्थ कितनी होगी, मैक्स हाइट देख लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आपको नाम को ओवरराइट करना है ओवरराइट आप यूज़ कर सकते हो, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हो, आपको स्पेस रिमूव करने आप रिमूव अंडरस्कोर स्पेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप चीज़ यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है हमने दो यूज़ कर लिया, जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है अभी, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, जो कन्फिग है उसको मैंने साथ में यहाँ पे पास कर दिया, दैट सेट, और कुछ भी नहीं किया, बाकी जैसा कोड है वैसे ही चल रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड की है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड था हमारा इतना ही था, मैंने लगाया यहाँ पे एंड डॉलर दिस अपलोड, उस पर एक फंक्शन कॉल किया डू अंडरस्कोर अपलोड। गाइज कोऑर्डिनेटर के अंदर जो इमेज आपकी अपलोड होती है वो इसी फंक्शन की हेल्प से होती है, डू अंडरस्कोर अपलोड, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ वैलिडेशन चेक कर रहा हूँ, मैंने यहीं पे क्यों लगाया ये और यहाँ पे एंड यूज़ किया है, मतलब वैलिडेशन भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों लगाया है। तो गाइस आप ध्यान से देखिए, अगर हम कुछ भी यहाँ गलत डालते हैं तो हम कहाँ पे आते हैं, हम इसी पेज पे वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाई है हमने, अगर फॉर्म वैलिडेशन रन करेगा, जो भी हमने रूल सेट कर रखे हैं वो हमने कैसे सीखी थी, हमने यहाँ पे रूल सेट बनाए थे अपने इस स्पेसिफिक कंट्रोलर के लिए, ठीक है, मतलब इन फील्ड्स के लिए हमने अपने कुछ रूल्स बनाए थे, जिसका नाम दिया था हमने, एक फाइल क्रिएट की थी कन्फिग के अंदर फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन, ये देखिए
आर्टिकल टाइटल के लिए हमने दी थी, आपको याद होगा, और यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया था। इस नाम को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और वैलिडेशन चेक कर रहा हूँ, अगर खाली होगा तो मैसेज थ्रो कर देगा, अगर खाली नहीं है तो उसके बाद ये चीज़ देखेगा कि वो जो इमेज आपने ब्राउज़ की है उसमें कुछ एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो ये सीधा जाएगा एल्स के अंदर। और यहाँ पे आपको अपलोड लाइब्रेरी एक फंक्शन देता है डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर, आपको कोई वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है गाइज, मैं फिर बोल रहा हूँ आप इसको एज इट इज़ यूज़ कीजिएगा जैसे मैंने यूज़ किया है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और सबमिट किया, आप जो ये एरर देख रहे हो ना, ये डिड नॉट सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड, ये आपको ये डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये अपलोड नहीं होता किसी वजह से तो ये एल्स पे आ जाएगा और फिर आपको देखिए हमने क्या किया, डॉलर दिस अपलोड डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर एरर देगा और ये जो आ जाएगा फिर यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर एरर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम व्यू पे भेज देंगे, तो व्यू कहाँ है हमारा, एड आर्टिकल, और यहाँ हमने फंक्शन यूज़ किया कॉम्पैक्ट। अब ये फंक्शन का मतलब क्या है, देखिए कॉम्पैक्ट फंक्शन कोऑर्डिनेटर का फंक्शन नहीं है, नॉर्मल पीएचपी का फंक्शन है, करता क्या है देखिए। तो कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका वेरिएबल है ना उसको एरे बना देगा, कैसे ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो गाइस, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एज है, हमने कॉम्पैक्ट ने तीनों चीज़ पास कर दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। इसने एरे बना दिया फर्स्ट नेम की और वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या करेगा, जो अपलोड अंडरस्कोर एरे है हमने कॉम्पैक्ट ने पास किया, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। सो ये जाएगा फिर यहाँ पे, और जैसे ही इसको एरर मिलेगा, तो हमने यहाँ पास कर रखा है ना, आपको याद होगा, अगर अपलोड अंडरस्कोर एरर आएगा तो आपको मैसेज आपका शो हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है जानना, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे एरे बना रहा है, कॉम्पैक्ट फंक्शन कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ये सीख रहे हैं हम यहाँ पे। सो सबमिट करते हैं, सो मैसेज आपको देख रहे हो ये आ गया, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, एक्चुअली मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया इसलिए मैसेज प्रिंट हो गया। आई थिंक अब मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे दिखेगा, देख रहे हो गाइस आप, इसने क्या किया, उस वेरिएबल को एरे बना दिया, अपलोड अंडरस्कोर एरर, और ये आपका मैसेज। तो ये मैसेज भेज देगा आपके कहाँ पे, गुई पे, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपकी स्क्रीन है वहाँ पे, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ वैलिडेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको खुद से वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है गाइस। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ अब, क्योंकि जो बताना था मैंने आपको बता दिया, अब हम सीखते हैं आगे। तो अब ये ट्रू हो जाएगा तो ये अंदर आएगा, और यहाँ पे ये क्या है, पोस्ट। तो जो भी आपका ये टाइटल है, बॉडी या ब्राउज है, ये क्या करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब कुछ ले आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस एक फंक्शन है, और यहाँ स्टोर कर देगा पोस्ट के अंदर, ठीक है। आपको चेक करना हो कि एक वैल्यू कैसे करेंगे आप, वैसे बता चुका हूँ इन चीज़ें मैं, फिर भी देख लो आप, बस यहाँ पे अपने नाम दे दो उसका, जो भी आपने पास किया होगा यहाँ पे, ये यूज़र फाइल, आपको पाथ मिल जाएगा जो भी है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक एक वैल्यू, वरना सारी की सारी वैल्यू इस पोस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और यही पोस्ट में भी पास करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस देखिए, अपलोड के पास ना एक फंक्शन और होता है डेटा, ये क्यों मैं दे रहा हूँ यहाँ, मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, वो ये है, आपने क्या क्या देखा, अपलोड पे फंक्शन देखा डू अंडरस्कोर अपलोड, और यहाँ पे फंक्शन है डेटा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कराता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इस डेटा को कराते हैं प्रिंट, आपको क्या क्या मिलेगा आप देखिएगा अभी, ठीक है गाइज, यही मैजिक है कोऑर्डिनेटर का, मतलब लाइक मैंने जब कोर पीएचपी में बताया था, उसमें आई थिंक 9 to 10 लाइंस थी इमेज को अपलोड कराने की, और यहाँ कितना इजी है ये देखिए आप, बनी बनाई चीज़ें हैं, वैलिडेशन की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे आउटपुट के लिए, थोड़ा सही से विजिबल हो, तो यहाँ कर देते हैं प्री, दैट्स इट। तो यहाँ हम डाल देते हैं इमेज और सबमिट, गाइस देख रहे हो आप, पूरा के पूरा एरे आ गया। तो ये जो फंक्शन कॉल किया है मैंने अपलोड पे डेटा फंक्शन, ये कंप्लीट जो भी आपने फाइल अपलोड की है उसकी पूरी डिटेल आपको देगा। क्या क्या देता है देखिए, फाइल नेम देगा, फाइल नेम, फाइल टाइप देगा, फाइल का पाथ देगा जहाँ से आपने उठाई है, कंप्लीट पाथ देगा, रो अंडरस्कोर नेम देगा जो खाली नाम है, ओरिजिनल नेम देगा,
एक्सटेंशन देगा। अब देखो कितना काम आसान हो गया आपको, एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे एक फाइल _ext मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, ये की देख रहे हो, ये की मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, जो मुझे उठाना है मैं उठा लूँगा, मुझे विड्थ उठानी है, मुझे साइज़ उठाना है, वट एवर। तो गाइज देखिए कितना ईजी हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल इस डेटा पर ये मैं से हटा देता हूँ, इस डेटा में मैंने क्या किया देखिए, आपको पता है गाइज मेरा जो URL एप्लीकेशन का वो है TP2K16। तो अभी तो ये है। सो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिए, अब डेटा पे मुझे पता है मुझे काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, फाइल नेम मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकती है। सो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये $data है एक वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है, जो कि आज जैसे ही आपने डेटा फंक्शन कॉल किया तो इसने कम्प्लीट ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, किस फॉर्म में, एरे की फॉर्म में। तो मैं इस डेटा जो ये मेरा एरे वेरिएबल है इसमें से वैल्यू निकालूंगा कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, base_URL, जो मुझे एप्लीकेशन का जो मेरा URL होगा मुझे वो रिटर्न करेगा, उसमें जाओ अपलोड के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या करा है देखिए, $data पे हमने क्या बोला है, row_name, जो मेरा क्या है, नाम है मेरी इमेज का, मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने कंकेट किया, मैंने क्या नेक्स्ट लिया, file_ext, एक्सटेंशन मिल जाएगी मुझे, ये देखिए। तो मैंने मर्ज कर लिया, कंकेट कर लिया, और इमेज पाथ जो बनेगा वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्या बना इमेज पाथ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा base_URL का मतलब भी, वैसे बहुत बार बता चुका हूँ मैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ये तो आपका हो गया नॉर्मल URL, अपलोड के अंदर इमेज। सो गाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है move_upload_file फंक्शन यूज़ करने की, जो आप core.php में यूज़ करते हो फोल्डर में इमेज को डालने के लिए, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। और उसके बाद हमने गाइज क्या किया, जो ये इमेज पाथ है उसको स्टोर करवा दिया अपने post image_path के अंदर, दैट्स इट। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना गाइज, अब सब कुछ हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका मॉडल है, मॉडल पे जाओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, लॉगिन मॉडल के अंदर चलते हैं एक बार, और नॉर्मल जैसे काम कर रहे हैं वैसे मैंने कोई चेंज नहीं किया मॉडल के अंदर अपने आप, क्योंकि हम क्या भेज रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं, $post भेज रहे हैं। तो इस पोस्ट में सारी वैल्यू हैं, इमेज का पाथ भी है और टाइटल भी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लॉगिन मॉडल, उसमें हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन एक बार देख लेते हैं, फंक्शन है add_article। ये देखिए यहाँ पे एरे फॉर्म में आएगा और सिंपल हमने एरे पास कर दिया, इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, दैट्स इट। सो गाइज इस तरीके से आप इमेज को अपलोड करवा सकते हो बड़ी आसानी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताना। सो गाइज अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर देना, मैं आपको पर्सनली मेल कर दूंगा पूरा सोर्स कोड। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको, ठीक है। और गाइज वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आई थिंक एडमिन पार्ट में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, अब थोड़ा सा पार्ट हम देख लेते हैं, पब्लिक वाला पार्ट जो सबको दिखेगा। तो इस पब्लिक पार्ट के अंदर यहाँ मैं सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले कराऊंगा इमेज के साथ, ठीक है। और आई थिंक जो आप चाहते हो आपको सारा कंटेंट मिल ही रहा है। और भी कुछ आपके डाउट्स हैं सर, फेसबुक से लॉगिन करके दिखाओ, जीमेल से लॉगिन करके दिखाओ, गाइस थोड़ा सा मुझे आप टाइम दो, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो जाता है, बट आई प्रॉमिस कि मैं आपको डेली का एक वीडियो तो वैसे दे ही रहा हूँ, और मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं सारे के सारे कंप्लीट करके दूंगा, बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा आर्टिकल्स डिस्प्ले करवा के और इमेज कैसे हम डिस्प्ले करवाएं, ठीक है गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।